एक ओटीटी या इस प्लेटफॉर्म पर एक कानूनी दृष्टि से एक रेगुलेशन के नियमन के आवश्यकता है, किसी भी समाज में करना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए अब फिल्म सेंसर बोर्ड है तो इसके लिए क्या है, फिल्म में सेंसर तो होता ही है, तो इसलिए अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य या इसी अन्य टेक्नोलॉजी के हमारे क्लासरूम बेडरूम तक सब जगह पहुंच गया है, तो इसलिए इस विषय के बारे में स्वाभाविक रूप से एक नियमन करने के रेगुलेशन, मैं कंट्रोल नहीं कहूँगा रेगुलेशन कहूँगा, दोनों में अंतर है, तो इसलिए एक रेगुलेशन के आवश्यकता है, वो समाज के हित के दृष्टि से रेगुलेशन करना पड़ेगा। वो कैसे करना वगैरह डिटेल्स की बात है, वो कोई सरकार संबंधित लोग चर्चा करेंगे तो उसमें एक समिति वगैरह बने देखें। और समाज के दृष्टि से भी कार्य जो मैंने बताया, हम समाज के हमारे कुटुंब प्रबोधन संघ के जागरण कार्य की दृष्टि से हम कहते हैं, देखिए मंदिर की समिति है, समाज में बिरादरी की संस्थाएं हैं, हर समुदाय के अपने अपने एक रचना है, वहाँ हम सम्मेलन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की योजना बनाते हैं, समाज के हर समुदाय को हर वर्ग को ये भी सोचना चाहिए हमारे अगली पीढ़ी के जीवन अच्छा रहें, उनके संस्कार ठीक रहें, उनके अंदर विकार ना आए, मानसिक विकार, कामोद्दीपक कामोत्तेजक विकार, ड्रग्स लेने के स्वभाव ये नहीं आना है, तो घर परिवार में भी सामाजिक धार्मिक नेतृत्व भी इस विषय में आग्रहपूर्वक अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए। हम संघ से ये दोनों चाहते हैं सरकार।